शाहजहांपुर में एक बार फिर से मस्जिद के सामने बवाल मच गया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की, हंगामा किया, आगजनी की गई और हर तरफ बवाल हो गया। ये तस्वीरें हैं शाहजहांपुर के चौकी कोतवाली क्षेत्र की, जहां बाबूजा इलाके में लोगों ने जमकर हंगामा किया। मस्जिद के सामने बवाल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दरअसल बुधवार की शाम किसी अज्ञात युवक ने सैयद शाह फखरे आलम मियां मस्जिद के अंदर घुसकर धार्मिक पुस्तक को नुकसान पहुंचाया। जैसे ही ये बात लोगों तक पहुंची तो हंगामा हो गया। सड़कों पर लोग उतरे और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों ने जमकर नारेबाजी की, तोड़फोड़ की गई, आगजनी हुई और बीच रोड पर बैनर फाड़े गए। बैनर को फाड़कर आग के हवाले किया गया। हंगामे की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई, लेकिन फिर भी लोगों में इतना गुस्सा था, इतनी नाराजगी थी कि लोग शांत नहीं हुए। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं मानने पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। इस बवाल के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है और पुलिस जल्द से जल्द बवालियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। को सूचना मिली थी कि बाबूजई जो थाना कोतवाली अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे एक धार्मिक स्थल में अंदर एक धार्मिक ग्रंथ के कुछ पन्ने जले हुए मिले थे। पुलिस ने तत्काल इसका संज्ञान लिया, पूरी संवेदनशीलता के साथ वहाँ वरिष्ठ अधिकारी मौके पे गए और लोगों को समझा बुझाया गया। उसके बाद फिर तत्काल संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी एसओजी की टीम भी लगी है और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको खंगाला जा रहा है और इस आधार पर ये प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्र जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इससे पहले 10 जून को भी शाहजहांपुर में नुपुर शर्मा के विरोध में लोगों ने सड़कों पर हंगामा किया था और एक बार फिर से लोगों ने बवाल काट दिया, जिसके बाद पुलिस अब बवालियों की तलाश कर रही है। शाहजहांपुर से विनय पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।